सोहे दोस्तों हाल फिलहाल में फिल्म आई है युवा रत्नम जी। हाँ आपको बनाई एक कन्नड़ फिल्म है और भाई पूरी तरीके से फिल्म है ब्लॉकबस्टर क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा इसके पूरी ही पूरे रिव्यू में। तो भाई मैं रुद्रराज हाजी हूँ आपको इसी फिल्म यज्ञ की युवा रत्नम का रिव्यू लेकर। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूँ इस फिल्म के अंदर जो मेरा खास वजह थी देखना, यानी कि मुझे मैं थोड़ा सा फैन हूँ ना पुनीत राजकुमार राव का, इस वजह से तो मैंने ये फिल्म भाई जाकर देखी और जिस वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ पूरी तरीके से भाई साहब आपको बताने वाला हूँ कैसे यह फिल्म ब्लॉकबस्टर। ज़्यादा स्पॉइलर नहीं फिलाएंगे, सीधा कहानी पाएंगे यानी स्टोरी मोड आपको बता देते हैं। तो वो सबसे पहले कह रहे हो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है ना काफी धीरे धीरे स्लो चल रहा है, इससे लगेगा कि आपको यार मतलब कि काफी ज्यादा डम कर रहा है, ऐसा भी लग सकता है आपको। लेकिन जो सेकंड हाफ के बाद फिल्म उठाते हैं ना, मतलब कि साउथ इंडस्ट्री का यही कमाल है भाई साहब। मुझे लगता है ना फर्स्ट हाफ में जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐसा लगता है कि चल रही है, मतलब कि फिल्म काफी सही नहीं है हद तक, लेकिन जो सेकंड हाफ फर्स्ट लेवल से एट लेवल तक पहुंचा देते उसके बाद लगता है कि भाई टॉप में फिल्म आ चुकी है और फिल्म का जो लेवल है पूरी तरीके से फट चुका है। लेकिन फर्स्ट लेवल में यानी फर्स्ट हाफ में आप ये नहीं कहोगे कि फिल्म आपको बोर करी, यानी आपसे बात रखेगी कि कॉमेडी पंचेस और थोड़ा सा भाई साहब ये लव रोमांस वगैरह के चक्कर में आप थोड़े से इससे बने भी रहोगे फिल्म में। लेकिन सेकंड हाफ में जो एक्शन थ्रिलर भाई साहब कमाने वाली है फिल्म, यानी कि आपको कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की ये फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है इस बार का, तो आप लिख के ले लीजिए क्योंकि डायरेक्शन का काफ़ी अच्छा कमाल किया गया है। वहीं स्क्रिप्ट और वहीं इसकी स्क्रिप्ट और राइटिंग की बात करें बहुत ही अच्छी मेहनत, बहुत ज़्यादा बढ़िया मेहनत करके भाई साहब इस फिल्म को लिखा गया है जी हाँ। और भाई साहब मैं आपको बताऊँ एक्टिंग में तो भाई पुनीत राजकुमार की तो वैसे तो मैं फ़ैन हूँ, लेकिन इस रोल के लिए काफ़ी भाई उन्होंने तैयारी की है, जो फिल्म के अंदर लगा है कि हाँ इस रोल के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है। साथ में आपको धनराज भी नजर आएंगे, सोनिया भी नजर आएंगी और साथ में आपको इसमें ना बोवन ईरानी भी नजर आने वाले हैं। और जो बेहतरीन एक्टिंग मुझे पुनीत के अलावा लगी वो प्रकाश राज जी की, जो कि भाई प्रिंसिपल के रूप में थे जी हाँ इस फिल्म के अंदर। और इस फिल्म का जो सॉन्ग है ना, यानी कि युवा वाला जो है, आप उससे समझ जाओगे फिल्म जो है युवाओं के लिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मास थ्रिलर फिल्म वो हर कोई इसे देख सकता है जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं कॉलेज के अंदर जो जो करप्शन हो रहे हैं, किस किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है वो सब चीज़ें तो बताई गई हैं, लेकिन भाई साहब फिल्म ने मचा दिया बवाल जी हाँ। और इसका बीजीएम जो बजाया ना, मतलब टाइम टू टाइम वो बीजीएम का इस्तेमाल किया गया बहुत बेहतरीन, यानी कि सोनोग्राफी के लिए तो भाई साहब मैं बताऊँगा आपको 10 out of 10 दूंगा अगर बीजीएम की बात करें। लेकिन एक गाना कुछ अजीब सा मुझे भी लगा फिल्म में, क्योंकि भाई मेरे को ना इतना समझ में भी नहीं आएगा ना, और मुझे लगा ठीक है ना, लेकिन युवा वाला गाना तो आपको 100% टॉप लगने वाला है, काफ़ी अच्छा है ठीक है ना यूथ। तो भाई साहब देखो मैं बताऊँ फिल्म का ओवरऑल रिव्यू, फिल्म है बहुत ही इंटरटेनमेंट, जबरदस्त कॉमेडी पंचेस डाले गए, बीजीएम सही इस्तेमाल किया गया और पूरी की पूरी फिल्म ने इंटरटेन किया है। और आपको पता है स्टोरी मोड भी आपको किसी की तरह नहीं मिलने वाला है, यानी कि अलग ही स्टोरी मोड मिलेगा। स्टारिंग की बात करें तो पुनीत और सायसा साथ में नजर आने वाले हैं, सोनू होंगी, धनराज होंगे और भी काफ़ी लोग हैं जैसे कि भुवन ईरानी भी तो आ गए और प्रकाश राज सर है। और भाई साहब और कुछ नहीं कह जाना हुआ, इसकी रेटिंग की बात कर ले तो रेटिंग इसे दूंगा 4 out of 5 क्योंकि भाई फिल्म है दम। तो इसके अलावा सिर्फ इतनी सी बात करनी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और मुझे कीजिए भाई फॉलो इंस्टाग्राम पर, मिलता हूँ भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।